मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, आज की हमारी जो क्लास है उसके अंतर्गत हमारी पिछली क्लास के जो अंदर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 15, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, यानी अनवधानी कर्माणी तानी सेवितव्यानी नौ इत्राणी, अर्थात जो अनवधानी अर्थात अनवध कर्म या प्रशंसनीय कर्म या अनिंदनीय कर्म, ऐसे कर्म जिनकी निंदा न की जा सके, और ऐसे कर्म जो होते हैं वो प्रशंसनीय कर्म कहलाते हैं, प्रशंसनीय कार्य कहलाते हैं। जिन कार्यों की हम निंदा न कर सकें वह कार्य प्रशंसनीय कार्य कहलाते हैं। यानी का तात्पर्य जो अनवधानी अर्थात प्रशंसनीय कर्म, कर्माणि से तात्पर्य कर्मों से है, तानी अर्थात उन्हीं का, सेवितव्यानी अर्थात सेवन करना चाहिए, नो इत्राणी अर्थात अन्य का नहीं या दूसरों का नहीं या निंदित कार्यों का नहीं। तो गुरुजी जो है इस आचार्य उपदेश के अंतर्गत क्या कहते हैं उसको आगे हम वर्णन कर रहे हैं। यानी कि गुरु जो है वो शिष्य को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, यानी अनवधानी कर्माणी तानी सेवितव्यानी नौ इतराणी, कि जो भी प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं। यानी कि जो प्रशंसनीय या अच्छे कर्म हैं उन्हीं का हमको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं करना चाहिए। जो कार्य निंदा करने वाले हो, जो कर्म हमारे निंदित कर्म हो, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यानी अनवधानी कर्माणी तानी सेवितव्यानी नो इत्राणी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानी तानी तव्य उपास्यानी नो इत्राणी। यानी अर्थात जो अस्माकं हमारे सुचरितानी अर्थात श्रेष्ठ आचरण है, तानी अर्थात उनको ही तव्योपास्यानी, उनको ही उपासना करनी चाहिए या उनको ही अपनाना चाहिए, नो इत्राणी अर्थात अन्य को नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे श्रेष्ठ आचरण है, जो हमारे श्रेष्ठ आचरण है उनको ही तुम्हारे द्वारा अपनाना चाहिए, उन्हीं को ही अपनाना चाहिए, अन्य को नहीं। पहले उसने कहा जो प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं कर्मों का सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं। उसी प्रकार से उसने आगे कहा कि जो हमारे श्रेष्ठ आचरण है उनको ही तुम्हें अपनाना चाहिए, अन्य को नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानी तानी तव्यो पश्यानी नो इत्राणी। नेक्स्ट आगे, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। क्या कहना चाहिए, कह रहा है श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। क्या देना चाहिए, दान। यानी कि श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, और अश्रद्धा से अगर श्रद्धा नहीं है तो कभी भी नहीं देना चाहिए। उसने दान के विषय में कहा कि यदि श्रद्धा है तो दान देना चाहिए और अश्रद्धा से कभी नहीं देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, श्रिया हे देयम, श्रिया तात्पर्य होता है ऐश्वर्य, श्रिया देयम ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। श्रद्धया श्रिया देयम, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। भिया देयम, भिया तात्पर्य होता है लज्जा पूर्वक देना चाहिए। समिधा देयम, समिधा अर्थात तात्पर्य क्या होता है, मित्रादि कार्य से क्या करना चाहिए, देना चाहिए।
ऐसे आदेश है, यही आदेश है। ऐसे उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और क्या कहा कि यही वेदों का रहस्य है या सार है। एतद अनुशासनम, और उसने आगे क्या कहा कि यही ईश्वर का क्या है, वचन है, अर्थात यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, और इसी की उपासना करनी चाहिए। तो देखिए क्या कहा, ऐसे आदेश है, यही आदेश है। ऐसे उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और यही अनु वो है, वेदों का उपनिषद है, वेदों का सार है, वेदों का रहस्य है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है, या यही ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन ही अनुशासन होता है, तो कहेंगे यही अनुशासन है, या यही ईश्वर का वचन है। एवं उपासितव्यम, और इसी की हमको उपासना करनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं इस कंप्लीट पैराग्राफ यानी अनुमदानी से लेकर के और अंतिम तक मैं आपको एक साथ हिंदी इसका बता रहा हूं। यानी अनवधानी कर्मणी तानी सेवितव्यानी नोवितराणी, कि जो भी प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानी तानी तव्योपास्यानी नोवितराणी, और जो हमारे श्रेष्ठ आचरण है उनको ही तुम्हारे द्वारा अपनाना चाहिए, अन्य को नहीं। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अर्थात दान जो है वह श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। ऐ श्रद्धा देयम, ऐ श्रद्धा से कभी नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। हिया देयम, लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भिया देयम, पारलौकिक जो भय होता है उससे देना चाहिए। और संविदा देयम, अर्थात मित्रादि कार्य को समझ करके देना चाहिए। आगे ऐसे आदेश है, यही आदेश है। ऐसे उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदों का रहस्य या यही वेदों का सार है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है, यही ईश्वर का वचन है। एवं उपासितव्यम, और इसी की उपासना करनी चाहिए। तो बेटा ये था हमारा ये अंतिम आपका चैप्टर जिसका नाम था आचार्योपदेश। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के प्रश्नों को। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपका प्रथम प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानानि पूर्यत के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं इसमें बात करेंगे, इसमें रिक्त स्थान लिए हुए हैं, आपको उन रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की आपको इसके अंतर्गत क्या करनी है, पूर्ति करनी है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति आप इस प्रकार से करेंगे, ये देखते हैं। तो देखिए श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में आएगा देयम। श्रद्धा के बाद में क्या आएगा, देयम, यानी कि श्रद्धा से देना चाहिए। अश्रद्धा अदेयम, अश्रद्धा अदेयम। आचार्यो देवो भवे भवाय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमेदितव्यम। बेटा देखिए, जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है उस प्रश्नों के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो आपका आएगा वह होगा श्रद्धा देयम, अश्रद्धा अदेयम, आचार्य देवो भव, और यहां पर अंतिम में प्रमेदितम। अब बारी है हमारी लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तो लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो यहां हम देखते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों में क्या क्या प्रश्न आएंगे।
और क्या उनके उत्तर होंगे? तो देखिए प्रश्न एक, श्रद्धया किम करणीयम। पहले के अंतर्गत क्या है? श्रद्धया किम करणीयम। तो आपको एक शब्द में आपको आंसर देना है, श्रद्धया देयम। हमेशा श्रद्धा से देना चाहिए, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा देयम। प्रश्न आपसे पूछा गया श्रद्धया किम करणीयम, श्रद्धा से क्या करना चाहिए, तो आपका जो आंसर होगा वह होगा श्रद्धया देयम। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मात् किम न करणीयम, धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। तो धर्म से क्या नहीं करना चाहिए, इसमें आपका जो आंसर होगा न प्रवेदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए, न प्रवेदितव्यम। प्रमाण मतलब आलस्य होता है, न प्रवेदितव्यम, धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए, न प्रवेदितव्यम। नेक्स्ट है, कीदृशानी कर्माणि सेवितव्यानि, कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, कैसे कर्मों का सेवन करना चाहिए। तो यहां पर आएगा आपका आंसर होगा अन्वदानी, अन्वदानी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कानी तव्या उपास्यानी, अर्थात तुम्हें कौन से कर्म का या कौन से आचरण का सेवन करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा यानी सुचरितानी, कानी तव्या उपास्यानी। उसने कहा कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए, यानी सुचरितानि तानि तव्या उपासनी, जो सुचरित होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं उनका ही तुमको उपासना करनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट है, आपको निबंधात्मक प्रश्न नहीं करने हैं, निबंधात्मक प्रश्न आपको नहीं करने हैं। अब आते हैं हम व्याकरणात्मक प्रश्नों पर, व्याकरणात्मक प्रश्नों को देखते हैं हम। देखिए व्याकरणात्मक प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अधोलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशम कुरु, ठीक है, अधोलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशम कुरु। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए आपको कुछ पद दिए गए हैं, उसमें आपको धातु लकार पुरुष और वचन को निर्देशित करना है कि इस पद में कौन कौन से क्या चीजें होंगी। तो देखिए पद के यहां पर जैसे आपने लिखा हुआ है प्रश्न में, यहां पद है, पद के अंतर्गत आपको दिया हुआ है उदाहरण के रूप में जैसे बद, अब बद का उसने आपको करके बताया हुआ है, ऐसे ही यहां पर चर भव गच्छ और जिग्र, इसके अंतर्गत धातु की बात करेंगे तो धातु कौन सी है, तो यहां धातु के नीचे लिखेंगे, देखिए वद के अंतर्गत वद की बात कर रहे हैं हम, पहले धातु जो होगी वह होगी वद, यह धातु उन्होंने पूछा है, धातु होगी वद। वद अर्थ होता है बोलना। यहां पर जो पद दिया गया है इसके अंतर्गत दे के अंतर्गत हलंत नहीं है, जो हमारी धातु वद है अर्थात बोलना, यहां पर उसके अंतर्गत हलंत है, क्योंकि यह तो किसी लकार के साथ में बना हुआ रूप है
और यह है इसकी जो धातु है वह। नेक्स्ट उसने सेकंड चीज यहां पूछी कि इसके अंतर्गत लकार कौन सा है, कौन से वद के अंतर्गत कौन सा लकार है। तो देखिए वद के अंतर्गत कौन सा लकार है, लोट लकार यहां पर है। इसके अलावा बात करते हैं हम पुरुष की, कौन सा पुरुष है, इसके अंतर्गत वद में मध्यम पुरुष है। और नेक्स्ट बात उन्होंने की थी यहाँ पर वचन, हमको बताना है वचनम, तो यहाँ वचनम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक वचन प्रयोग किया गया है। तो देखिए लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, अतु अताम अंतु ए, ए आता है वहां पर, तो इस वद के साथ में ए जोड़ा तो ये वद पूरा हो गया। इसलिए यहां पर लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। वद जो पद आया है इसके अंतर्गत वद धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया गया है। बेटा ये जो आपके बाकी के जो व्याकरणात्मक जो आपके प्रश्न बच रहे हैं ये मैं आपको पिक के द्वारा आपको सेंड कर दूंगा, इनके आंसरों को लिख करके। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है, इसका हिंदी अर्थ करना है, देन उसके बाद में आपको आपकी नोटबुक में ही इसके प्रश्नोत्तर भी करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।